स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ के पार्ट 25 से, जिसमें वी विल स्टडी अबाउट फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स एंड पार्थेनोकार्पी। इससे पहले के पार्ट में वी स्टडीड अबाउट एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। नाउ इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट डीजनरेट एंड फॉल ऑफ। यानी कि मोस्टली प्लांट्स में क्या होता है, जब तक कि फ्रूट डेवलप होता है ओवरी में से, ठीक है, ओवरी बन जाती है फ्रूट, जब तक ये चीज़ें होती हैं तब तक बाकी के जो फ्लोर पार्ट होते हैं वो सारे के सारे गिर जाते हैं, खत्म, खराब हो जाते हैं और गिर जाते हैं। However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, etc. आपको पता ही होगा काजू और ये स्ट्रॉबेरी, इनमें क्या होता है, जो थैलेमस होता है वो भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि बाकी प्लांट्स के अंदर किसी और पार्ट ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया फ्रूट फॉर्मेशन में, बट विद फ्यू फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, इसके अंदर क्या होता है, जो थैलेमस है ये फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। नाउ सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, और ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। Now, most fruit, however, develop only from the ovary and are called true fruits. मतलब कई fruits ऐसे हैं जो सिर्फ ovary से develop होते हैं, there is no contribution of the thalamus of the body, so that is called the true fruit. Basically अगर आपको समझाऊँ, जो तो आपने आज तक सुना है कि ovary से fruit बनता है, ठीक है, तो जो भी ऐसा करता है ovary से ही fruit बनाता है, that is called true fruit, और जिसके अंदर कोई और part, basically thalamus, जब contribute करता है fruit formation में, तो हम उसको false फ्रूट बोल देते हैं। Although in most of the species, fruits are the result of fertilization. यानी कि most species में क्या होता है, fruits किसका result होते हैं, fertilization की वजह से fruits बनते हैं। लेकिन there are few species in which fruit develop without fertilization. कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट डेवलप हो जाते हैं। ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि पार्थिनोकार्पी जो कुछ ऐसी बीज होती हैं जो अपनी, जो फीमेल पार्ट ही अपने आप को चेंज कर लेते हैं और फाइनली क्या कर देते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के कुछ बना देते हैं, तो वो भी पार्थिनोकार्पिक, एग्जैक्ट वर्ड नहीं था बट पार्थिनोकार्पी उसको बोला गया था। तो यहाँ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज सेम थिंग, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होना। अब इसका एग्जाम्पल एक बनाना है। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं है तो सीड नहीं होते। दूसरी चीज़, इसको कैसे स्टार्ट करा जा सकता है पार्थिनोकार्पी को, ग्रोथ हार्मोन्स को अप्लाई करके। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स। जो ये सीड्स होते हैं ये काफ़ी सारे एडवांटेजेस, मतलब फ़ायदा देते हैं एंजियोस्पर्म का। पहली चीज़ तो, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेबल। यानी कि जब आपके रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन, तो उसमें क्या होता है, कई बार पानी की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है, आई एम नॉट सेइंग, बट कई दफ़ा इंडिपेंडेंट होता है, नहीं पड़ती, बट सीड फॉर्मेशन में इट रिक्वायर्स वाटर, ठीक है। दूसरी चीज़, ऑल्सो सीड हैव बेटर एडप्टेड स्ट्रैटेजीज़ फॉर डिस्पोजल टू न्यू हैबिटेट। सीड्स ना नई जगह पे बहुत ईजीली डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरिया। एक जगह से दूसरी जगह जाने में दे डू नॉट फेस दैट मच प्रॉब्लम। उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, बाय स्टिकिंग टू प्लांट्स, बाय स्टिकिंग टू एनिमल्स, या समझ लीजिए आपने कोई फ्रूट खा के कहीं नई जगह फेंक दिया तो उसके सीड को, तो वो नई चीज़ बन जाएगी। कई बार कचरे में फेंक दिया, वो नीचे गिर गया एंड इट स्टार्ट ग्रोइंग। सो देयर आर वेज बाय विच सीड कैन डिस्पर्स एंड कॉलोनाइज, यानी कई नई जगह पे वो ग्रो कर सकता है। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। अब ऐसा नहीं है कि सीड इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ इंडिपेंडेंटली करता है। लाइक उसके अंदर खुद का फूड रिजर्व होता है थोड़ा सा, उसकी वजह से क्या होता है, जो यंग सीडलिंग है वो नरिश हो जाता है एंड उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होना लगता है उसका खुद से। मतलब वो जब तक खुद बड़ा ना हो जाए और फोटोसिंथेसिस ना करने लगे तब तक इट कैन टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। जो ऊपर की हार्ड कोट होती है, सीड के ऊपर की कोट, वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देती है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, क्योंकि जो सीड्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से सीड फॉर्मेशन हुआ है, तो उसमें क्या होता है, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन आते हैं। और आपको पता ही है जब नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन आते हैं तो देयर इज़ वन एडवांसमेंट, दैट इज़ वेरिएशन आती है, सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। नाउ सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, हमारे जितना भी एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी होती है, सीड उसका एकदम बेस है, मतलब बिना सीड के तो पॉसिबल ही नहीं है। सीड स्टोर होते हैं, उनको ख़रीदा जाता है और उसकी वजह से खेती हो पाती है। Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds, which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. यानी dehydration, सूखना, पानी सूखना plus dormancy की वजह से क्या होता है, अगर mature seed dormancy stage में या dehydration stage में है तो उसको store करके रखा जा सकता है, क्योंकि उस time तक वो inactive रहेगा, but the moment आप उसको कहीं डालोगे किसी भी soil में it will start growing। तो इनकी वजह से क्या होता है, हम पूरे साल अपनी क्रॉप को ग्रो कर पाते हैं, हमें पूरे साल खाना मिल पाता है एंड नेक्स्ट ईयर के लिए वी आर एबल टू ग्रो द क्रॉप्स। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। मतलब क्या आप एग्रीकल्चर को इमेजिन कर सकते हो, अगर सीड्स नहीं हुए तो क्या एग्रीकल्चर पॉसिबल है, या फिर अगर सीड्स की प्रेजेंस में हम उसको स्टोर करें ना, और अगर ये सिचुएशन हो कि बस जैसे ही सीड मिला सीधे उसको उगाना है, यू डोंट हैव द चांस टू स्टोर, तो क्या वो पॉसिबल है, आप वो सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो। हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड, यानी कि जब वो सीड्स इधर उधर चले जाते हैं तो कितने टाइम तक दे आर वायबल, मतलब वो वैल्यू है उनके अंदर या वो उगाए जा सकते हैं। दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली, ये भी पीरियड जो होता है ना बहुत वेरी करता है अलग अलग प्लांट्स में। इन अ फ्यू स्पीसीज द सीड्स लूज वेबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ, कुछ स्पीसीज़ के अंदर सीड्स कुछ मंथ में ही ख़राब हो जाती हैं। सीड्स जो लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज़ के हैं, कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जिसके बहुत साल तक सीड ज़िंदा रहते हैं। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर्स, और कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जो बहुत सालों तक, 100 सालों के अराउंड, मतलब उसको ठीक रखा जा सकता है। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड वेट वेबल सीड्स, ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं ओल्ड और वेबल सीड्स के जो पुराने हैं और ठीक एक्टिव हैं। The oldest is that of Lupinus arcticus, excavated from Arctic tundra। तो इसका example क्या है, oldest जो है lupin और ये सब, मतलब ये बहुत पहले के हैं। The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रो हुए थे कब, कुछ 10,000 साल dormant रहने के बाद, मतलब इनकी इतनी लाइफ थी। अ रीसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड इज़ ऑफ डेट पाम, अभी जो नया नया रिकॉर्ड है वो है 2000 साल पहले के एक सीड का, डेट पाम के एक सीड का, जो फोनिक्स डैक्टिलिफेरा है, जिसको आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के टाइम पे निकाला गया था किंग हेरोड्स प्लेस से नियर द डेड सी। ठीक है, ये वहाँ से ये सीड मिला था जो कुछ 2000 साल पुराना है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सीड, फॉल्स फ्रूट्स एंड ट्रू फ्रूट्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एंड द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ द सीड्स, कि वो क्यों ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस सीरीज़ के और पार्ट देखने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पेस्ट कर दूँगी, तो आपको वहाँ पे सारे पार्ट्स मिल जाएंगे जिसके। उसके अलावा आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाके बायोलॉजी सेक्शन के अंडर इस सीरीज़ को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको 11th, 12th के सारे चैप्टर्स, सारा मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।